किसान भाइयों नमस्कार। आरपी की तकनीकी खेती में आपका स्वागत है। अगर आप गेहूं की अच्छी खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में खरपतवार नियंत्रण की। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, गेहूं में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं और इनको खेत से कैसे खत्म किया जा सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, खरपतवार दो प्रकार के होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरी संकरी पत्ती वाले खरपतवार। अब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं, तो इसमें है बथुआ, कृष्णील, गजरी, सत्यानाशी, प्याजी, हिरनखुरी, ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। और संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे गेहूँसा, गेहूँ का मामा, जई, बनरी, ये सब खरपतवार गेहूँ में पाए जाते हैं। किसान भाई खरपतवार खेत में उगने पर बोई गई फसल के साथ प्रतियोगिता करने लगते हैं, और जब हम खेत में खाद पानी या जो भी पोषक तत्व फसल में डालते हैं तो ये खरपतवार उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारी फसल को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं और हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। अतः किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण समय से कर लें। किसान भाई जब फसल की पहली सिंचाई हो जाती है तो 3-4 दिन बाद जब खेत में पैर ना धंसे उस समय दवा का प्रयोग करें। तो किसान भाई दवा का प्रयोग तब करें जब मौसम खुला हो, साफ हो, तभी दवा का स्प्रे करें, या तो जब भी दवा का प्रयोग आपको करना है तो दोपहर के बाद करें। चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के लिए मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP जो इफ्को कंपनी की मकोतो के नाम से आती है, इसकी 8 ग्राम दवा 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। या इफ्को कंपनी की एक दवा दूसरी आती है नोबीरू के नाम से, तो 240 एमिन साल्ट 58% SL की 350 ml को 120 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ बुआई के 30 से 35 दिन के बाद छिड़काव कर दें, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। अब बात करें सकरी पत्ती की, तो इसमें गेहूँसा या गेहूँ के मामा के नियंत्रण के लिए क्लोडिनोफोप प्रोपारजिल 15% WP जो कि कोकोरा के नाम से आती है, इसकी 160 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 30-35 दिन बाद प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें, जिससे कि ये खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। और या तो सल्फो सल्फ्यूरान 75% WG रेकीसी के नाम से इफ्को कंपनी की दवा आती है, तो इसकी 13.5 ग्राम दवा प्रति एकड़ की दर से 120 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करने से चौड़ी और संकरी पत्ती के दोनों खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। किसान भाई ध्यान दें कि अगर आप गेहूं के साथ सरसों, चना, मटर, मसूर अगर उगाए हैं या अन्य कोई चौड़ी पत्ती वाली फसल की बुवाई किए हैं तो 240 और मकोतो या रेकीसी का प्रयोग ना करें, इससे आपकी फसल भी प्रभावित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्लोडिनोफोप प्रोपारजिल का प्रयोग लाभकारी रहता है। और किसान भाई खरपतवार नाशकों के छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग बहुत ही उपयुक्त होता है, इसी का प्रयोग करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान।